इसलिए इसने ये लाया है, वरना इस जगह का क्या नाम है, चार तीन चार सौ साल इस तालाब को बना, वो बड़े टायर में लगा है। और ये कुछ रास्ता है कब्रिस्तान के बीच में इतना? सच बताऊंगा एक बात, जिंदगी में आज तक मैंने ऐसी खाई नहीं देखी। देखो फॉग जरा सा भी नहीं दिख रहा है, बस सामने बिल्कुल विजिबिलिटी कम है। ये लड़के में स्टेमिना बहुत है, बरकरार रखना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा दिन है यहाँ पे, लुक एट अराउंड में, अभी मैं तकरीबन 2500 फीट की ऊंचाई पे हूँ। सूरज अभी अभी निकला, देखिए कितना खूबसूरत है चारों तरफ बिल्कुल। बहुत हाइट पे हूँ अभी मैं, यहाँ से देखिए नीचे बहुत ही खतरनाक है। देखिए फॉग, पहाड़, चोटियाँ, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। कल रात को मैं बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी एक्चुअली, बारिश हुई थी फिर दर्द होने लगा था। ज़िंदगी में ये मेरा फर्स्ट ट्रैक है, आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा ट्रैक नहीं किया जिससे हालत ख़राब हो। कपड़े गीले हो गए थे, शिवरिंग हो रही थी मेरे को, ठंड लग रही थी, तो इन भाइयों का बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे संभाला, अच्छे से केयर किया, वरना मैं बीमार हो जाता। ठंड होगी, अच्छा है मौसम। ये देखिए नीचे शेड है, वहाँ पे हम रुके थे, नीचे से आबिद भाई और आदिल आ रहे हैं। और बाकी ये तालाब है, पौन पानी जमा है यहाँ पे, माल मवेशी भी होती है, पानी पीने पीते हैं वो। लुक अराउंड मी, इतना खूबसूरत है। देखो इतनी चोटी चढ़नी है यार, कम से कम 3000 फीट की ऊँचाई पर अभी हमें तकरीबन हाइट पर है, तो हालत थोड़ा में बीमार होने वाला था। आज बैठने का प्लान है, अगर मौसम ठीक रहा तो बैठेंगे, वरना मैं कहूँगा इनको नीचे की तरफ ही चलेंगे, तो वहीं कहीं स्टे लेंगे अगर अच्छा रहा तो। देखो आदिल आया, ऊपर चढ़ाया, क्या बोलता है, मज़ा आया? नहीं बस मज़ा बहुत आया है ना, फॉगी फॉग। हाँ ये देखना ऊपर, यहाँ पे कितना डेंज खतरनाक, यहाँ से चारों तरफ दिखता है बिल्कुल गोलाई में। देखो ऐसे घुमा के उतारे गए, यहाँ जा रहे हैं नीचे अभी, तो ये जाएंगे नाश्ता वाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे अपनी दूसरी मंजिल की ओर, मतलब जहाँ जाना है आज, कहाँ जाना होगा वो डिसाइड करेंगे। तो देखो अब अभी फॉग फिर से आ गई, धुंध यहाँ से अभी भाई चल रहे हैं, यहाँ से धुंध आ गई ज़्यादा। जब फॉग होता है तब ठंड भी बढ़ती है ना, तो चलिए ये साफ हो जाएगा, चल हम पानी ले आएंगे पीने वाला साफ। ये हमारा सेटअप है, ऐसा कुछ चूल्हा चाय चढ़ाई है चूल्हे पे, तो ये बैठे हैं आबिद भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे इरफान भाई बैठा है, और ये ताहिर भाई कर रहे हैं लकड़ी काट रहे हैं, तो बाकी चलेंगे यहाँ से सेकंड डेस्टिनेशन के लिए अगर मौसम साफ हुआ। मौसम के आगे पता क्या है, ये अंकल जी हमें बता रहे आगे इतनी अधवारी है ना, आगे बहुत है, साफ हुआ तो चलेंगे यहाँ से हम आगे, अगर नहीं हुआ तो आज का प्लान भी फिर यहीं पे देखेंगे, अगर मौसम साफ नहीं हुआ है ना तो ऐसे ही चले जाएंगे इस फॉग में घूम के वापस। नहीं यार दिखाता, ये इरफान भाई दिखाएगा ना आपको फॉग कितना है बिल्कुल। दोस्तों ये चेक करो, यहाँ पे हमारे मुकामी बाशिंदे मिले, तो अंकल जी इस जगह का क्या नाम है? देरा डॉब। तो आप यहीं पे रहते हो यार, कितने महीने यहाँ पे रहते हो साल में? छह महीने यहाँ पे रहते हो आप? चलो अच्छी बात है। अच्छा तो बाकी ये अंकल जी हमें इस तालाब के बारे में कुछ बता रहे थे, तो अंकल ये क्या है, मतलब कितने साल हुए इसको बने हुए? तीन चार सौ साल इस तालाब को पहला वो बड़ी हो, पहला जमाना वो बड़ी हो, ऐसे पहले से बना हुआ पहला जमाना वो बड़ी हो। तो इस मंदिर का अंकल जी आपको सामने अगर नजर आ रहा हो ये मंदिर,
तो इसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो है 70-80 साल हुए है इसको बनाए हुए। अच्छा ये जो उस साइड वाला है तो 300-400 साल हुए इसको बड़ा बना दिया। इधर बर्फ ज्यादा पड़ती है ना ये। चलो हाँ ऊपर अंकल बता रहे हैं हमें ईदगाह भी है। अच्छा ये वाली जगह अंकल जी है ना। अच्छा अच्छा ये साथ में ऊपर बात है। यहाँ पे ईदगाह भी है साथ में और मंदिर भी है साथ में। देखो कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। सब मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। आंगलिये नाव तो बाकी कोई नहीं दोस्तों, आप बने रहो और जेडी का कुछ ओपिनियन पूछते हैं रात का। जेडी भाई आप बताओ यार रात को कैसा रहा? मतलब रात को एक बात बताऊंगा ना माँ कसम, मुझे लगा था यहाँ तक कि मैं लेट ही जाऊंगा बीमार, पर थैंक्स है आप लोगों का माँ कसम आपका प्यार। सच्ची बता रहा हूँ, सुबह भी बताया था अर्ली मॉर्निंग में ऊपर गया था ना वहाँ भी बताया था अगर आपकी मोहब्बत ना होती ना आप लोगों का प्यार जो है मुझे समेटा, जिसमें मैं बीमार हो गया होता नहीं होता है। नहीं भाई अब ये फर्ज हाथ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा था आप कहां जा रहे हैं? पत्थर गिर रहा है होते तो पत्थर गिर रहा है राजे लाले एक चुप। तो कोई नहीं दोस्तों, ये था जेडी का कुछ ओपिनियन जो ये कुछ अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं। देखो ये हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं तो दैट्स गुड। मतलब इसके अभी, इसके हकदार है शायद लाले। अब अभी तक मुझे यही लग रहा था कि मैं भाग जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन अब कुछ वो अंदर से आओ फील, क्योंकि चल नहीं था। मैंने फजर पड़ी उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सुकून आया मेरे दिल में, क्योंकि आपने चला मतलब सभी ने चला लेकिन आपको आदत नहीं है ना दौड़ चलने की। जो मेन बात आपको मेरा फर्स्ट ट्रैक है वो भी सीधा 2500 हाइट, मतलब ये 2500 फीट में जहाँ नीचे हम रोड पे रुके थे लिखा भी है हाइट पे था फीट 1900 कुछ फीट पे। वही अभी तो। तो बाकी दोस्तों ये था हमारा कुछ रात का सेटअप, मतलब यहाँ पे हम सोए थे। तो ये जिस ये लीडर ने ये बनवाया है ना, ये अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो काफी मतलब दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भाई अगर इन्होंने ये नहीं बनाई होती तो हम जो है वो रात को दोस्तों रहने के लायक नहीं हो। हाँ रूम भी यहाँ पे, ये जो आप लॉक्स देख रहे हो ना, चाबी भी ला सकते थे लेकिन हमें याद नहीं था यार, मतलब नीचे याद नहीं रहा कि भाई ऊपर जो है इस तरह का सेटअप होगा। मतलब यहाँ पे 2 रूम है देन 1 लॉबी है यहाँ पे बनाई गई है। तो बाकी ये हमारे शेफ है आबिद, डिटेल जो है मैंने बता दिया लेकिन जब ये क्लियर होगा ना तो इसका व्यू मैं आपको फुली दिखाऊंगा। और इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे नहीं पता थी, इरफान भाई मुझसे बेहतर जानते थे, दैट्स व्हाई इरफान भाई ने आपको बताया। और भी एक्सप्लोर करेंगे और भी। दिस प्लेस इज जस्ट वाओ, यह बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखिए आप, अरे ये जगह ना गूगल मैप पे नहीं आती, आती है सर्च करते तो पता नहीं, आई डोंट नो, सर्च नहीं किया। सर ये जगह देख ले, ये झील है बहुत ही पुरानी। ओह कितनी खूबसूरत जगह है यार। अभी आगे आगे जाएंगे और भी अच्छी अच्छी जगह देखने को मिलेंगे, आपको दिखाएंगे। इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। ओह सुबह हम यहाँ ऊपर गए थे जहाँ मैंने मॉर्निंग के इस वाले एपिसोड की शुरुआत की, वो यहाँ ऊपर से ईदगाह है यहाँ पे, तो मुझे मालूम नहीं था, बाद में बताया मुझे लड़कों ने। तो लगे हैं भाई जी बनाने लगे हैं अपने अपने कामों में। ब्यूटीफुल प्लेस है, अभी मैं बिल्कुल सेट हो गया हूँ, कपड़े सूख गए बिल्कुल अच्छे अंदाज से, कुछ ऐसा यहाँ पे है। धुआँ बहुत आ रहा है, आयर में लगा है गर्मी, अभी धूप निकली ना थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, लगे हैं लड़के। ये फॉग ना हमें कहीं जाने नहीं देता, सुबह से यहीं पे जकड़ के रखा है, बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। अभी झील तो नहीं दिख रही है, कैमरा में दिख रहा होगा पर ऐसे नहीं दिखती आंखों से। अभी बैठे हैं ऐसे ही लगे हैं अपने अपने कामों पे, चाय बनाएंगे अभी थोड़ी सी, ना तो बैठे हैं। अगर वेदर थोड़ा सा क्लियर हुआ आज तो हमने प्लान बना दिया यहीं पे स्टे करने, अगर वेदर जरा सा क्लियर हुआ तो हम चलेंगे थोड़ा आसपास एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इस वेदर में जाना ही नहीं, हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो विजिबिलिटी कुछ नहीं, हमें पता नहीं लगेगा हम जा कहाँ रहे और कहाँ जाना है हमें। तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू स्टे हियर, जो सेफ है यहाँ पे, यहाँ छत है इससे बड़ी क्या होनी चाहिए थी, लाग है लकड़ी है सब कुछ है, गमले है बिस्तर है, तो यहाँ पे हम सेफ है। ये देखो रहा यार लड़के, देखो यार लड़का देखो क्या डाला लाया है,
क्या बात है, ये काम क्यों कर रहे हैं? इसको आज शाम का डिनर का बनाने का जिम्मेदारी दी है इसको, तो इसलिए इसने ये लाया है, वरना कल से ये कोई काम नहीं किया। कल से कोई काम नहीं किया मैंने, मतलब कुछ नहीं किया। अच्छा तूने ही किया, देखो ना क्या बात है। दो गलत गए, अकेला था वो, दो ही गए यार। तो बस अभी आई करेंगे, थोड़ा गपशप मारेंगे तो बैठे ही है। ताहिर भाई बोल रहे अभी इस फॉग इस धुंध का भी अपना ही मजा है, बोलता है इसके लिए भी तरस जाते हैं नीचे हम, तो है ना, इसमें भी अपना ही मजा है, थोड़ा एंजॉय कर। सुबह से हो गई शाम, हम इधर ही पे हैं, अभी कहीं जाने का मौका नहीं आया, फॉग बहुत ज़्यादा था तो इसलिए हम हिले नहीं। हमने सोचा क्या रिस्क लेना है, अब यहाँ एक बीच में कब्रिस्तान है, ये देखिए ये ऊपर ईदगाह है, और ये कुछ रास्ता है कब्रिस्तान के बीच में, इतना खूबसूरत सा, और ये यहाँ एक तालाब छोटा सा, अच्छा खूबसूरत है ना। मुआयना करते हैं, जाने को कहीं नहीं था तो हमने सोचा क्यों नहीं यार, थोड़ा अभी मौसम थोड़ा सा साफ हुआ तो हम टहलने आए थोड़ा आगे तक, 5 मिनट के फासले तक। ये देखिए सामने की चोटी है, अभी जाएंगे हम वापस और खाना शाना बना रहे लड़के, बाकी लड़के जो भी आए थे, वो इरफान भाई ऊपर चोटी पे खड़ा है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, तो अभी विजिबिलिटी आई थोड़ी सी, अभी ज़्यादा नहीं आया, इंशाल्लाह कल सुबह आएगा, ज़्यादा विजिबल मौसम होगा तो। बस कुछ नहीं, यही दरअसल आज का दिन जो है हमारा यहीं पे गया, कुछ एक्टिविटीज़ खास की नहीं, गए नहीं इधर उधर, असल में कुछ ही नहीं किया, गए नहीं क्योंकि फॉग था, इस फॉग में ना धुंध में रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि देखना हम अभी पहाड़ियों के ऊपर है, अब इस पहाड़ी से हम दूसरी पहाड़ी तक देख सकते हैं कि हमें वो वाली पहाड़ी पे जाना है, यहाँ आए हम इस पहाड़ी पे, फॉग में हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल सकता आगे का, बस जाएंगे यही कुछ 3 फीट 4 फीट 5 फीट ज़्यादा से ज़्यादा दिखता है, कैमरा थोड़ा ज़्यादा जस्टिफाई कर पाता है, पर जो नेगेटिव आइज़ हैं उनसे हम कम देख सकते हैं, 5 फीट ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट देख सकते हैं, बस दूर की नज़र नहीं पहुँचते क्योंकि पहाड़ों में देख के हमें पता है हाँ वो वहाँ हमें जाना है, तो रास्ते भी विजिबल होते हैं, दैट्स वाई वी प्रेफर टू स्टे हियर। और आज का दिन अब कल देखेंगे, करेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग अप्रॉक्स 10 बजे के करीब करीब चलेंगे हम, यहाँ से निकलेंगे और पहुँचेंगे यहाँ आगे एक लोकेशन है वहाँ पे, फिर वहीं से चले जाएंगे 1 बजे के बाद घर, तो बस यही सब दिखाना था आपको। हाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो आया, ये देखिए सामने मंदिर है, और अभी थोड़ा क्लियर व्यू हुआ यहाँ से, देखिए आप नीचे वो दिख रहा है, लुक ठंडा है पारी बकर, बस इनको नहाने दे, मैं थोड़ा नाश्ता करके फिर लंच अभी का मैगी बन रही है। वैसे तो अभी फॉग में कुछ दिख नहीं रहा है, पर ये कुछ ऐसा रास्ता है पहाड़ी की चोटी के ऊपर।